ऑफ रेडियो। हाँ देखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मेनली यूज होती है, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन भी यूज हो सकती है फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट, पहले हम कार्बन 14 डेटिंग डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन 14 डेटिंग, ये कार्बन 14 डेटिंग होती किसके लिए है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आज आपका मूड ऑफ है क्या? सर नहीं तो लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। कार्बन 14 डेटिंग देखो, ये किसके लिए होती है कार्बन 14 डेटिंग? कार्बन 14 डेटिंग होती है आपकी एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ टी इयर्स पहले हुई थी। डेज की क्या बात करेंगे, डेज तो वैसे ध्यान रहते हैं, तो ये रेडियो एक्टिव टेक्निक लगाने की क्या जरूरत है? काफी साल पहले हो गए हो, 5 साल, 10 साल, 5,000 साल, 10,000 साल, इस तरह काफी पुराना कोई एनिमल का बोन सैंपल हमें मिल जाए, किसी प्लांट का वुड सैंपल मिल जाए। जब तक वो वुड सैंपल एक हरे भरे पेड़ का हिस्सा था, हम तब की मान लो 300 ईयर्स कोई प्लांट जीवित रहा, और अब 1,000 साल हो गई, 2,000 साल हो गई उसकी डेथ के, तो टोटल 2,300 ईयर्स हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो 2,300 ईयर्स नहीं बताएगा कार्बन 14 डेटिंग, 2,000 ईयर्स बताएगा, यानी कि हम डेथ एनिवर्सरी बताते हैं, बर्थ एनिवर्सरी नहीं बताते हैं कार्बन 14 डेटिंग से। फर्स्ट पॉइंट टू बी वेरी क्लियर इज, अभी जैसे ही हम इसको डिस्कस करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। देखो होता क्या है, पूरी कहानी कुछ ऐसे है कि एनिमल, पहले तो ये लिख लो, फोर लिविंग बींग्स है ना, फोर एनिमल, ट्रीज, इन सब के लिए, ट्रीज, प्लांट्स, वेजिटेबल, कोई भी लिविंग बींग, लिविंग बींग व्हाट आई मीन टू से है ना, कार्बन तो जनरली ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक मटेरियल, इन सब की फॉर एजिंग ऑफ, और कौन सी एज मैंने बताया, डेथ एनिवर्सरी है ना। कहानी कुछ ऐसी है कि अपर कॉस्मोस में नाइट्रोजन कार्बन 14 में कन्वर्ट होता है बाय न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, और कार्बन 14 अपर कॉस्मोस में बनता है वो कार्बन 14 अपर एटमॉस्फेयर में, कार्बन 14 कार्बन 12 दोनों रहते हैं CO2 में, वो
लोअर पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर में भी कार्बन 14 कार्बन 12। एक स्टेटमेंट ध्यान रखिए, नेचर कीप्स बैलेंस। आज से 5,000 साल या 50,000 साल पहले कार्बन 14 कार्बन 12 का जो रेशियो, जो प्रोपोर्शन एटमोस्फेयर में था, आज भी वही कार्बन 14 कार्बन 12 का प्रोपोर्शन एटमोस्फेयर में है। चाहे ये अजम्पशन हो, उस टाइम का डेटा हमारे पास कोई रिटर्न में तो अवेलेबल है, पर ऐसा अजम्पशन है, नेचर कीप्स बैलेंस, कार्बन 14 डेटिंग में ऐसा हम मान के चलते हैं। वो कार्बन 14 कार्बन 12 CO2 लोअर पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर में आया एंड दैट CO2 थ्रू फोटोसिंथेसिस by vegetable, trees, plants, converted to carbon 40 as the part of body of any this trees, plants. Photosynthesis से CO2 carbon 14 वाला CO2 carbon 12 से plants, trees में भी आ गया, vegetable में भी आ गया carbon 14 carbon 12। क्योंकि कंटिन्यूअस इनटेक ऑफ फोटोसिंथेसिस से कंटिन्यूअस इनटेक ऑफ कार्बन इनके साइज में भी ग्रोथ करती है। नेचर कीप्स बैलेंस, सब नेचर के पार्ट है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, नेचर के अगेंस्ट ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों कार्बन 14 कार्बन 12 का प्रपोर्शन, अब ये ट्रीज प्लांट्स वेजिटेबल को एनिमल खा जाते हैं और सोशल एनिमल तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है, तो ट्रीज प्लांट्स एनिमल सबको खा जाता है, दूसरे एनिमल भी खा जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, दैट्स गॉड्स क्रिएशन है ना, नेचर्स क्रिएशन। पर इंसान के साथ सोशल वर्ड लग जाता है, सोशल एनिमल है ना, एनिमल्स दूसरों का छीन कर खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ह्यूमन बीइंग दूसरों का छीन के खाए तो ये सही नहीं है, है ना। कभी कभी मैं बोला करता हूं, दूसरों का छीन कर खाए ये विकृति है, तुम अपना खाओ मैं अपना खाऊं ये प्रकृति है, और दूसरे का सुख दुख सोचकर अगर हम खाएं तो यह संस्कृति है। तो थर्ड स्टेट में एनिमल नहीं, सोशल एनिमल वाला सोशल पार्ट आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट बीइंग ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों अपर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कार्बन 14 में कन्वर्ट हुआ, अपर स्टेटा ऑफ एटमॉस्फेयर में आया, लोअर स्टेटा ऑफ एटमॉस्फेयर में आया, वहां से एनिमल्स प्लांट्स सब में आया, जो भी लिविंग बींग है सब में कार्बन 14, जब तक वो जीवित हैं, जब तक कार्बन 14 कार्बन 12 का प्रपोर्शन फिक्स है, नेचर कीप्स बैलेंस, तब तक वो नेचर के हिस्से हैं। और कंटिन्यूअस इनटेक ऑफ कार्बन 14 कार्बन 12 चल रहा है, क्योंकि सब खाना खाते हैं, आज जो एक हरा भरा पेड़ खड़ा है और 10,000 साल पहले जो हरा भरा पेड़ खड़ा था, आज जो एटमॉस्फेयर है, 10,000 साल पहले जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का एटमॉस्फेयर, इन सब में कार्बन 14 इज टू कार्बन 12 का प्रपोर्शन रेशियो तब जो था आज भी वही है, ऐसा कार्बन 14 टेक्निक में लेकर चल रहा है। एक एनिमल की डेथ हुई 8,000 साल पहले, फॉर एग्जाम्पल, तो 8,000 साल पहले उस एनिमल में जो कार्बन 14 कार्बन 12 का प्रपोर्शन था या फिर अमाउंट था, एक बोन सैंपल मिली वो इंटैक्ट है, आज भी
जितनी थी उतनी ही है। मान लीजिए वो बोन सैंपल ये है, बोन का ये शेप नहीं होता, पर मान लीजिए आप फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जिस दिन वो एनिमल ऊपर वाले को प्यारा हुआ, उस दिन उसमें एक्स ग्राम कार्बन 12 था और वाई ग्राम कार्बन 14 था। टी ईयर्स की बात हो गई, 5,000-10,000 साल पहले की बात है, 50 साल पुरानी बात के लिए कार्बन 14 टेक्निक यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 50 साल से ज्यादा तो ह्यूमन बीइंग की एवरेज एज है, वही बता देंगे। 100-150 साल तक तो हमारे पापा दादा परदादा ही बता देंगे कि ऐसा था भाई। यस और नो? तो टी इयर्स, टी एक बड़ी वैल्यू है हजारों साल। अब वो बोन सैंपल इंटैक्ट है, अगर बोन सैंपल इंटैक्ट है, अगर बोन सैंपल इंटैक्ट है तो कार्बन 12 डीके नहीं होता, कार्बन 14 बीटा डीके में जाता है। कार्बन 12 एक्स ग्राम था, आज भी कार्बन 12 एक्स ग्राम ही होगा। उसी बोन सैंपल में आफ्टर टी इयर्स इंटैक्ट है वो, तो उसी में ही अगर मैं बोलूं कि कार्बन 12 का कितना है भाई साहब, तो आप बोलोगे एक्स ग्राम कार्बन 12 है। कार्बन 14 का कितना है भाई साहब, ये वाइडेस ग्राम है। वाइडेस बोलूं या क्या बोलूं, इसको एक्स नोट वाई नोट बोल देता हूं, इसको एक्स नोट और इसको वाई बोल देता हूं, वाई वाई ग्राम कार्बन 14। यानी कि कहने का मतलब, जिस दिन तक वो एनिमल जीवित था उस दिन तक इंटेक कर रहा था एनिमल प्लांट्स का, सबका डिपेंड करता है उसका भोजन क्या है, तो कार्बन 14 कार्बन 12 दोनों आए जा रहे थे उसमें, कंटिन्यूस इंटेक था, नेचर कीप्स बैलेंस, तो उनका प्रपोर्शन भी फिक्स था। लेकिन जिस दिन भगवान के पास चला गया, उस दिन इनटेक ऑफ कार्बन 14 कार्बन 12 बंद। अब कार्बन 14 तो कम होगा, क्योंकि कार्बन 14 आना तो बंद, डिके तो पहले भी, लिविंग में भी कार्बन 14 डिके हो रहा था, नॉन लिविंग है उसमें भी कार्बन 14 डिके हो रहा है, कार्बन 14 सब में डिके हो रहा है। लेकिन उस टाइम इनटेक भी था और डिके भी था, तो बैलेंस, नेचर कीप्स बैलेंस। लेकिन जब वो भगवान को प्यारा हो गया, उस टाइम कार्बन 14, उस टाइम कार्बन 14 सिर्फ डिके हो रहा है, अपटेक तो है नहीं उसका, इनटेक तो है नहीं उसका। तो क्या करेंगे हम लोग, कार्बन 14 का अमाउंट उस बोन सैंपल में आफ्टर टी इयर्स इज बाउंड टू डिक्रीज। तो दोस्तों, वाई इज बाउंड टू बी लेसर देन वाई नॉट, बट एक्स, इसको चाहे x ही बोल दो, x मस्ट बी इक्वल टू x नॉट इंटैक्ट, क्योंकि कार्बन 14 को तो मतलब नहीं है कि वो जीवित में है या फिर मृत में है, ये सुन लो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो लिविंग एनिमल की बोन है या फिर डेड एनिमल की बोन है, उसको कोई लेना देना नहीं। तो एक बेसिक कहानी जो मुझे समझानी थी वो मैं समझा चुका हूं। कुछ स्टेटमेंट लिखने के लिए लिखना चाहो तो लिख लो, इन अपर कॉस्मोस, जो मैंने कहानी सुनाई वो कहानी लिखवा रहा हूं, इन अपर कॉस्मोस कार्बन 14 इज, कार्बन 14 इज कॉस्मोस कहने लिया, अपर कॉस्मोस सर, इसका मीनिंग क्या होता है? कॉस्मोस, 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 ब्रह्मांड, अपर पार्ट, जहां पे कॉस्मिक रेज होते हैं और उनमें न्यूट्रॉन होते हैं,
इन अपर कॉस्मोस। तो न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर बॉम्बार्ड होते हैं और कार्बन 14 का न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है। तो इन अपर कॉस्मोस नाइट्रोजन 14 इज कन्वर्टेड टू कार्बन 14 बाय न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। अगर मैं लिखूं नाइट्रोजन 14, ठीक है, एटॉमिक नंबर 7, न्यूट्रॉन कैप्चर हुआ, न्यूट्रॉन कब्जा लिया, प्रोटॉन तो निकला, अब बताओ मुझे क्या बनेगा? ऊपर ऊपर का समेशन बराबर, नीचे नीचे का समेशन बराबर, तो ऊपर 14 आएगा और नीचे 6 आएगा, और 6 आते ही तो कार्बन आप प्यार से बोल दोगे। तो नाइट्रोजन 14 इज कन्वर्टेड टू कार्बन 14 बाय न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। इसी रिएक्शन को फिजिक्स में कैसे लिखेंगे वो लोग? बोलेंगे जी नाइट्रोजन 14 के न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर साइंस में कुछ हुआ ऐसा। कि इसी से समझो हुआ क्या, इसी रिएक्शन को लिखने का एक शॉर्ट वे ये है, जो पहला पार्टिकल लिखेंगे वो रिएक्टेंट साइड है, दूसरा पार्टिकल लिखेंगे वो प्रोडक्ट साइड है। अब ऊपर ऊपर का समेशन, नीचे नीचे का समेशन, और जो न्यूक्लियस हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में ले रहे हैं वो तो बाहर लिख दिया जाता है। इनसाइड ब्रैकेट पहले वाला पार्टिकल रिएक्टेंट साइड लिखना है, दूसरा वाला पार्टिकल प्रोडक्ट साइड लिखना है। अपने आप ये न्यूक्लियर रिएक्शन आप लिख सकते हो बड़े प्यार से। दिस इज हाउ इट इज रिटन। पूरी रिएक्शन लिखने की बजाय शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं। दिस इज ट्रेंड इन फिजिक्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। दिस इज द वे टू राइट इन शॉर्ट। ठीक है, तो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन 14। दिस कार्बन 14 कम्स टू लोअर पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर। लिख लो दो चार लाइन। दिस कार्बन 14 कम्स टू लोअर पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर Atmosphere contains CO2, जो मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लो। Atmosphere contains radioactive CO2, carbon 14 वाली, and normal CO2 in fixed ratio, in a fixed ratio, definite proportion. प्लांट ट्रीज ब्रैकेट में को अलाइव, जब जीवित प्लांट्स ट्रीज वेजिटेबल्स ब्रैकेट में लिखो अलाइव, टेक्स अप बोथ CO2, रेडियोएक्टिव भी और नॉर्मल दोनों CO2, एंड convert them into carbon 14 and carbon 12 by photosynthesis. सारी कहानी मैं आपको सुना चुका हूं, सिर्फ लिखवाने का काम कर रहा हूं। Hence, living plants, ट्रीज वेजिटेबल सब एक आ गए उसमें, प्लांट ही लिख रहा हूं, समझ गया आप सब कुछ। लिविंग प्लांट्स कंटेन रेडियो एक्टिव कार्बन 14 एंड नॉर्मल कार्बन 12 इन ए फिक्स रेशियो। और कौन सा रेशियो जो एटमोस्फेयर में था वही लिविंग सिस्टम में सब जगह अज्यूम करके चलना है। ठीक है,
तो जब वो जीवित थे तो उनमें कार्बन 14 कार्बन 12 उतना ही रेशियो में लेके चलना है जो आज के जीवित प्लांट है, आज का जो एटमॉस्फेयर है। तो पता क्या करेंगे उस टाइम का लोग के अंदर क्या लिखते हैं, एन नोट ऑफ कार्बन 14 डिवाइड बाई एन टी ऑफ कार्बन 14 या डब्ल्यू नोट ऑफ कार्बन 14 इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन डिवाइड बाई डब्ल्यू ऑफ कार्बन 14 लिख देंगे। लेकिन वो डब्ल्यू नोट कैसे निकालें, डब्ल्यू नोट है आज के एटमोस्फेयर में, डब्ल्यू नोट है आज के जीवित प्लांट और एनिमल्स में, पर वही होना चाहिए। रेशियो लेंगे तो आज भी फिक्स है, पहले फिक्स है रेशियो लेंगे तो, पर सिर्फ कार्बन 14 का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है पेड़ का साइज क्या है, एनिमल का साइज क्या है, क्योंकि रेशियो फिक्स है। कार्बन 12 वाले ज्यादा होंगे तो कार्बन 14 वाले भी ज्यादा होंगे, मैंने रेशियो फिक्स बताया है। व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, लिखो आगे कहानी, व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई अपटेक ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर स्टॉप्स, अपटेक ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर स्टॉप्स, आना बंद, पर डिके तो चलता रहेगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कार्बन 14 को कोई लेना देना नहीं है, वो लिविंग में है नॉन लिविंग में, वो डिके होगा। स्टॉप्स देन आफ्टर कार्बन 12 रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अमाउंट ऑफ कार्बन 12 रिमेन्स कॉन्स्टेंट सेम और अनचेंज्ड। बट कार्बन 14 स्टॉप के बाद when plants and animals die, uptake of carbon from atmosphere stops, amount of carbon 12 remain unchanged, amount of carbon 12 remains unchanged, but carbon 14 decays, bracket mein likho beta decay। अब देखो कार्बन 14 बीटा डीके में जाएगा तो डोटर एलिमेंट कौन बनेगा, सब बताओ मुझे। कार्बन 14 6 है, बीटा डीके में जा रहा है तो क्या निकलेगा, बीटा पार्टिकल, इसी के तो बीटा बोलते हैं। बोलो ऊपर ऊपर का समेशन नीचे नीचे का समेशन बराबर, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, बोलो ना, ऊपर ऊपर का 14 14, नीचे नीचे का 7, तो यहां पर 7 करना पड़ेगा ताकि 6 हो जाए दोनों साइड। देखो ओ, कितनी गजब की चीज है, अपर कॉस्मोस में न्यूट्रॉन कैप्चर से बना नाइट्रोजन 14 से कार्बन 14, और यहां जब कार्बन 14 है वो डिके होके वापस बीटा डिके से नाइट्रोजन 14 बना लेना है। लाइफ इज ए साइकिल, जिंदगी उठ पटांगा, कभी तू रगड़ा और कभी मैं रगड़ा, कौन सी मूवी का गाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे एक मूवी बनी थी उसी, राइट। कार्बन 14 डिकेज बाय बीटा डिके मोड, और ये बीटा डिके है। अब ये तो डिके होता रहे, ठीक है, अब बताओ, ये तो सारी कहानी थी, न्यूमेरिकल तो आसान होते हैं, न्यूमेरिकल में एज पूछी जाएगी तो लेमडा इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन यूज करूंगा मैं, मन चाहे जो यूज कर लो, n इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टू यूज कर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लेमडा इज इक्वल टू 2.303 जो सबसे फेमस है काइनेटिक्स में, डिवाइडेड बाई टी लॉग एन नोट ऑफ कार्बन 14, और कितने एटम अब है कार्बन 14 के, बस वही है। या इसको वेट रेशियो भी ले सकता हूं या मोल ऑफ कार्बन 14 का रेशियो भी ले सकता हूं,
मोल ऑफ कार्बन 14 का रेशियो, वेट रेशियो ऑफ कार्बन 14, ये सब भी ले सकते हैं। डन। मोल का रेशियो और एक्टिविटी का रेशियो पर उस टाइम ये एन नॉट। अब मैं इसको, ये तो है ही है, अब टी इयर्स उसके डेथ के कितने होंगे, वो टाइम यहां से निकल जाएगा, एज एज टी निकल जाएगी। एज मतलब वक्त है, वक्त मतलब टाइम है, टाइम टाइम का तो इंटीग्रेटेड एट लो इक्वेशन में ही एक्सप्रेशन देखते हैं, हमें कोई इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को भी करता है रेडियो एक्टिविटी के, तो कार्बन 14 के भी करेगा, वो इक्वेशन यूज करो, खेल खत्म और क्या। अब देखो भाई साहब, इसके अंदर वेट का रेशियो कार्बन 14 का कब था तब, ये किस में, अब मैं इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर देता हूं, इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर देता हूं, वेट रेशियो कुछ भी कार्बन 14 कार्बन का। इसी लॉग को, लॉग को, लॉग के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, कार्बन 14 बाय कार्बन 12 इनिशियल वेट कितना था कार्बन 14 का जब वो हरा भरा पेड़ था, जब लिविंग एनिमल था, जिस दिन जीवित था, है ना, कार्बन 12 का